द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव फिल्म आ रही है और बहुत बड़ी फिल्म है, हमारे समाज की नाक है और नाक बहुत ऊंची होगी। और तो साथियों कैसे आप सब, उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज है 1 तारीख और 1 जनवरी से हम पूरे आज पूरे साल को सेलिब्रेट करने वाले हैं। और साथ ही यहां से हम निकल रहे भीमा कोरेगांव के लिए और अभी हम पहुंचे हैं भोसरी के बस स्टॉप पर और इस बस स्टॉप से हम भीमा कोरेगांव के लिए निकलने वाले हैं और वो सारी चीज़ मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। साथियों जैसा कि आप देख सकते हैं हमको इस ऑटो को निकालने के लिए कितनी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। भीमा कोरेगांव जाने के लिए जितने भी रास्ते हैं सभी तरीके से बंद कर दिए गए हर तरीके से और यहाँ पे हम लोग बहुत ही तकलीफ से ये भीमा कोरेगांव पहुँच रहे हैं। तो साथियों हम लोग अभी भीमा कोरेगांव से तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है और यहाँ तक हमको आने के लिए हमारे जो सूर्यकांत जी गायकवाड़ इन्होंने हमें बहुत सारी मदद की है, जो अभी ये ऑटो ड्राइवर है और इन्होंने हमको बहुत सारी मदद करके बहुत ही कम पैसों में यहाँ तक के पहुँचाया है। और बहुत सारी मदद जहाँ पे हमको रास्ते नहीं थे, बहुत ही शॉर्टकट और अलग अलग तरीके रास्ते से हम बहुत तकलीफ करते हुए यहाँ पर आए हैं, तो इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। जय। तो साथियों पिछले 2.5 किलोमीटर से हम लोग पैदल चल रहे हैं और आप मुझे पीछे देख सकते हैं जो गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही है ये उन्हीं लोगों की है जो 500 शूरवीरों को मान वंदना देने के लिए भीमा कोरेगांव में जा रहे हैं। तो इन तमाम लोगों की गाड़ियों को यहीं पर रखा गया है और इसके आगे जो भी है जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं और साथ ही पैदल यहाँ पर लोग चल रहे हैं। मैं आपको भी दिखाता हूँ कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ में पैदल चल रहे हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं हम भीमा कोरेगांव के पास पास पहुंच चुके हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं विजय स्तंभ दिख रहा है। साथियों आप देख सकते हैं मेरे पीछे में कितनी सारी भीड़ है और यहाँ पर सभी के सभी मानवंदना देने के लिए बाबा साहब को और यहाँ पर 500 शूरवीरों को मानवंदना देने के लिए यहाँ पर आए हैं। काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पर अलग अलग तरीक़ों का तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो साथियों भीमा कोरेगांव में हम लोग एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग मेरे पीछे में आपको देख रहे हैं और यहाँ पर एक पीछे में मेरे प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज किया गया है, उसके बारे में भी मैं अभी जानकारी बताऊंगा और यहाँ पर और कुछ लोगों से बातचीत करवाऊंगा कि आखिर वो लोग क्यों इस भीमा कोरेगांव में आज के इस एक दिन 1 जनवरी को शौर्य दिवस पर आए हुए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के ब्लॉग में आपको मैं देने वाला हूँ। तो साथियों आप देख सकते हैं फाइनली हम भीमा कोरेगांव पहुंच चुके हैं। भैया
तो साथियों हम लोग इस भीमा कोरेगांव में पहुंच चुके हैं और मैं आज इस भीमा कोरेगांव के शौर्य दिवस के ऊपर में एक सवाल करना चाहूंगा भाऊ से कि हम आखिर यहाँ पर बहुजन समाज ने खासकर यहाँ क्यों आना चाहिए, क्या जरूरत है इस भीमा कोरेगांव में 1 तारीख को आने की? आखिर बाबा साहब क्यों भीमा कोरेगांव में आते थे, मान्नर कांशीराम साहब क्यों भीमा कोरेगांव में आते थे? ऐसे तमाम सवाल का जवाब लेते हुए मैं भाऊ से सवाल पूछना चाहता हूँ। साथियों जय भीम। 1 जनवरी 1818 में 500 सूरवीरों ने 28,000 पेशवाओं को यहाँ खात्मा किया था और उसी से हमारी बहुजनों की गुलामी खत्म हुई थी। उसी युद्ध के कारण महात्मा फुले पढ़ पाए और महात्मा फुले पढ़ने के बाद ही जो हमारे बाबा साहब अंबेडकर है उन्होंने हमको संविधान दिया। अगर वो संविधान नहीं बनता तो इस देश के बहुजनों को इतने सारे हक अधिकार नहीं मिले थे जो पिछले 5,000 सालों के अंदर मनुवादियों ने ख़त्म कर दिए थे। भीमा कोरेगांव में यहाँ पर है और यहाँ पर कुछ हमारे भीम सैनिक यहाँ पर पहुँचे हैं और मौजूद है, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि भीमा कोरेगांव में यहाँ पर आखिर वो क्यों आते हैं, क्यों मान वंदना देने के लिए यहाँ पर वो आए हुए हैं, ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहूँगा। हमारे पूर्वजों का जो इतिहास है वो इतिहास ऐसा है इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी है वो इतिहास में एक नाम रह गया है। 500 मारों ने 25,000 पेशवे को मार के गिराया, इसलिए हमको गर्व है ये चीज़ का, इसलिए उसी का जल्लोज बनाने के लिए हम ये साल में आते हैं और हर साल आते रहेंगे। चाहे हमारे ऊपर कितना भी कुछ भी दबाव आ गया तो हम ये साल में आते रहेंगे, हर साल आते रहेंगे। तो इतनी जो तकलीफें हमको यहाँ पर पहुँचने के लिए हो रही है, जो लोग है वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर इतना सब पैदल चलकर यहाँ पर पहुँच रहे, तो आखिर ये परेशानी क्यों हो रही है? ये एक मिनट, ये जो हमारे नेता है हमारे नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर जिस दिन हम नेतागिरी में उतर गए तो ये जितने लोग 10-20 किलोमीटर आ रहे पैदल वो चलने की नौबत नहीं आएंगे। सर एक मिनट, जैसे कि हम सब नए साल की शुभकामनाएं देते वैसे हमारे जो राजा था संभाजी महाराज, अगर उनको ख़त्म करके तुम्हारी पेशवे का गुड़ी पाड़ो तुम्हारा नया साल होगा, तो वैसे ही हमारा भीमा कोरेगांव नए साल हमारे पूर्वजों का इतिहास है, वही हमारा नया साल है पेशवे संपूर्ण। बहुत शुक्रिया धन्यवाद। तो साथी इनका यही कहना है कि हमारा जो महापुरुषों का हमारे पुरखों का जो गौरवशाली इतिहास रहा है इसके बदौलत हम अपना ये जो समानता की और साथ ही स्वाभिमान की जो जिंदगी जी पा रहे हैं ये उन्हें की बदौलत है और इसी तरीके से हर साल कितनी की भी तकलीफें हो हम यहाँ पर आते रहेंगे, ये बात उनका आज के इस भीमा कोरेगांव दिवस के शौर्य दिवस पर कहना है। तो साथी आप मेरे पीछे ये जो लाइन देख रहे हैं बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, ये भीमा कोरेगांव में ये 500 शूरवीरों को मानवंदना देने के लिए ये बहुत लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर सैनिटाइज होने के बाद में ही यहाँ पर आपको एंट्री मिल रही है सारी चीज़ें यहाँ पर। जब तक के हम सैनिटाइज़ नहीं कर लेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते तब तक यहाँ पर हमको एंट्री नहीं दी जा रही है। तो साथियों अभी मैं मिलाने जा रहा हूँ आपको द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव के जो डायरेक्टर है उनसे, अभी देखते हैं उनकी क्या बात है। देखिए बाबा साहब को कभी भूलना नहीं, आप चाहे कितने भी बोले अगर नहीं भूलेंगे तो आगे और बाबा साहब की बात साहब सरोपरि रहना चाहिए ये ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे आया हूँ। और चूंकि आप जानते हो भीमा कोरेगांव द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव फिल्म आ रही है और बहुत बड़ी फिल्म है, हमारे समाज की नाक है और नाक बहुत ऊंची होगी और हमारा जय भीम का नारा बुलंद होगा। बोलो जय भीम। चलो साथियों यहाँ पर हम सभी को बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव इस मूवी का काफी बेसब्री से इंतजार है और ऐसे आज के इस शौर्य दिवस के मौके पर सर समाज को क्या मैसेज देंगे? देखिए बाबा साहब को कभी भूलना नहीं, आप चाहे कितने भी बड़े हो अगर नहीं भूलेंगे तो आगे जाओगे। तो
साथियों, आप जो मेरे पीछे ये जो नदी देख रहे हैं, इस नदी का नाम है भीमा नदी। और इसी नदी के किनारे 31 तारीख और 1 जनवरी इन दोनों दिनों को रात भर 31 तारीख को पूरा युद्ध चला और उसके बाद में हमें फतेह मिली, हमें उस गुलामी से आज़ादी मिली जो आज़ादी हमें जीने की आज़ादी नहीं थी। तो साथियों, आप ये जो अभी मेरे आसपास का जो परिसर देख रहे हैं, ये वही परिसर है जहाँ पर 2018 में जो दंगल हुई थी वो यही प्लेस है। और इसी प्लेस के आस पड़ोस में ये पूरी दंगल हुई थी और यहाँ से फिर भगदड़ मचकर लोग अपने जान को बचाने के लिए यहाँ पर भागने दौड़ने लगे। और ये जो आसपास की जो मुझे बिल्डिंग दिख रही है, आपको जो दिख रही है, यही से ही पत्थरबाजी और उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हुई थी। A few moments later. तो साथियों, अभी हम भीमा कोरेगांव से तकरीबन 5 किलोमीटर हम चल कर आए और उसके बाद में हमको ये बस मिली है और उसके बाद में यहाँ से हम जहाँ पर हम रुके हुए हैं उस प्लेस पर हम जाएंगे और उसके बाद में ब्लॉग को फिनिश करेंगे। आज के ब्लॉग में आखिर तक ही कंटिन्यू रहिए। तो साथियों, फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं और आज का जो दिन आपने देखा, कितनी सारी चीज़ें आज के ब्लॉग में हुई और वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आज के 1 जनवरी पर आया। और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, वो सारी चीज़ें आपने इस ब्लॉग में देखी होगी। और साथ ही इसके 5 तारीख तक के हम लोग पुणे में रुके हुए हैं और हर दिन जो बहुजन समाज से जो महापुरुष है उनके जितने भी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जो प्लेसेस है उन सभी का मैं आप सभी को इस व्लॉग में आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा, आपको सारी चीज़ें दिखाते रहूँगा। तो व्लॉग में कंटिन्यू बनी रहेगा और आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।